जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 27 जुलाई को किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त केंद्र सरकार है वो DBT के जरिए देश के करोड़ों किसानों के खातों में हस्तांतरित करेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल है। इसमें हम आपको बताएंगे कि EKYC आपको कैसे खुद अपने मोबाइल से कैसे करना है, आप अपने मोबाइल से खुद कर सकते हो किसान भाइयों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर घोषणा है वो ऑफिशियल किया गया है कि 27 जुलाई 2023 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है देश के करोड़ों किसानों को जारी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EKYC इज़ मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर, यानी कि जितने भी किसान पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड है उन्हें EKYC कराना अनिवार्य है। तो EKYC जब तक आप नहीं कराओगे तब तक आपके खाते में पैसा है वो नहीं आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, EKYC कराना बेहद ज़रूरी है। तो कैसे आप अपना EKYC आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं, और अगर आपको CSC सेंटर से कराना है तो वहाँ से भी आप अपना EKYC करा सकते हैं फिंगरप्रिंट के जरिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे मोबाइल से करोगे। उसके लिए आपको ये नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं EKYC। तो EKYC पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आएगा OTP बेस्ड EKYC है ये, इससे होगा। इसमें आपको क्या करना है, आधार नंबर है वो आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं एक किसान का आधार नंबर है वो रखा हुआ हूँ, इसके ज़रिए EKYC है वो होगा। तो आपको ऐसे आपका आधार नंबर है वो डाल देना है, फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ये सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इन किसान का जो EKYC है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि EKYC इज़ ऑलरेडी डन, यानी कि इन किसान भाई ने अपना EKYC है वो करा लिया है। तो अगर आपने अपना EKYC नहीं कराया है तो जैसे ही आप आधार नंबर फिल करोगे, सर्च करोगे, तो आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा। तो जी हाँ, आपका मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप TB बेस्ड EKYC है वो कर सकते हैं, वरना आपको फिंगरप्रिंट के जरिए CSC सेंटर के माध्यम से अपना EKYC कराना पड़ेगा। तो जिनका जिनका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है वो खुद अपने मोबाइल से इस पोर्टल पर जा कर के कर सकते हैं। तो ऐसा पूरा सरफेस होगा, आपको OTP डालना है और आपका EKYC कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से आप अपना EKYC है वो खुद घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं किसान भाइयों। तो चलिए 27 जुलाई को आपके खाते में इस योजना की 14वीं किस्त आ जाएगी। तो 27 जुलाई नज़दीक है, इसीलिए मेरे को ज़रूरी लगा कि किसानों को इस चीज़ से वाकिफ़ कराना चाहिए, ताकि कोई भी किसान इस योजना की 14वीं किस्त से ना छूटे। तो इस प्रकार से अपना EKYC आप करा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपने अन्य मित्रों तक खबरें वो ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।